नमस्कार साथियों, वीडियो एडिटिंग के दूसरे भाग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो की शुरुआत हम वीडियो में लगाए जाने वाले फिल्टर और इफेक्ट से करेंगे। दरअसल वीडियो एडिटिंग में अपने वीडियो को खूबसूरत और अच्छा बनाने के लिए उसमें बहुत बार फिल्टर और इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती है। इन फिल्टर और इफेक्ट्स को लगाने के लिए सबसे पहले उस शॉट को सिलेक्ट करें जिस पर उसे लगाना है और फिर यहां फिक्स पर क्लिक करें। वीडियो और ऑडियो के सारे फिल्टर्स और इफेक्ट्स आपको यहां दिखेंगे। शेक रिडक्शन को एडजस्ट कर आप अपने वीडियो को थोड़ा बहुत स्थिर कर सकते हैं। यहां आपको कलर्स के बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, इसे एडजस्ट कर वीडियो के कलर को सही कर सकते हैं। जरूरत के अनुसार यहां इफेक्ट्स पर क्लिक कर मोशन में जाकर अपनी शॉट के पोजीशन को सेट कर सकते हैं और यहां से उसकी ओपेसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप इस शॉट में जूम इन का इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरह की फ्रेम सेट कर इस इफेक्ट को डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉट्स का कलर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट इत्यादि को सही करना है तो यहां एडजस्टमेंट पर क्लिक करें। यहां आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। मोर पर क्लिक कर आप और विस्तार से अपने सेटिंग्स को अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। दो वीडियो शॉट्स के बीच के झटके को खत्म करने के लिए वीडियो ट्रांजिशन का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिशन के लिए यहां ऐड पर क्लिक करें। यहां आपको ढेरों ट्रांजिशन मिलेंगे, जैसे क्रॉस डिजॉल्व, डिप टू व्हाइट या डिप टू ब्लैक। इसके अलावा और भी बहुत से ट्रांजिशन को ड्रैग कर दोनों क्लिप के बीच में डालने के बाद उसके टाइमिंग को यहां से कम और ज्यादा किया जा सकता है और मोर पर क्लिक कर उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी शॉट्स में फेड इन और फेड आउट वीडियो के इफेक्ट्स को लगा सकते हैं। इसके लिए उस क्लिप को सेलेक्ट करें और फिर उस पर राइट क्लिक कर उस ऑप्शन को चुनें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि फिल्टर और इफेक्ट्स का प्रयोग अपने वीडियो में कम से कम करें। अपने वीडियो के ऑडियो को एडिट करने के लिए टाइमलाइन पर उस ऑडियो ट्रैक को यहां क्लिक कर उसे एक्सपेंड कर लें। इससे ऑडियो एडिटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे और एडिटिंग में आसानी होगी। वीडियो के आवाज को कम और ज्यादा करने के लिए इस पीली लाइन को ऊपर या नीचे करें। ऊपर करने से आवाज बढ़ेगी और नीचे करने से कम होगा। लेकिन अगर किसी एक शॉट में कुछ जगह पर कम और कुछ जगह पर ज्यादा आवाज चाहिए तो उसके लिए की फ्रेम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ऑडियो ट्रैक को जूम इन कर लें, फिर उस शॉट को सेलेक्ट करें जिसे एडिट करना है। उसके बाद यहां से की फ्रेम का प्रयोग करते हुए अपने ऑडियो के लेवल को ऊपर और नीचे कर सकते हैं। अगर आप किसी शॉट के आवाज को फेड इन या फेड आउट करना चाहते हैं तो उसी तरह उसे सेलेक्ट कर यहां क्लिक करें, फिर फेड इन ऑडियो या फेड आउट ऑडियो को चुनें। वीडियो के म्यूजिक को अलग ट्रैक पर रखकर उसे एडिट करें। ऑडियो के सारे इफेक्ट्स इस पर भी उसी तरह काम करता है। हमेशा कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का ही प्रयोग अपने वीडियो में करें। इसके लिए आप YouTube की लाइब्रेरी से या फिर बिनसाउंड म्यूजिक से म्यूजिक डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमलाइन पर दिख रहे सभी वीडियो की आवाज को यहां से म्यूट या बंद कर सकते हैं। यहां से अपने वॉइस ओवर और म्यूजिक के आवाज को भी कम और ज्यादा कर सकते हैं। वीडियो में टेक्स्ट दो तरीके से जोड़े जाते हैं। पहला, स्क्रीन के बिल्कुल दाहिनी तरफ टूल बार में यहां टी पर क्लिक करें। यहां आपको टेक्स्ट स्लाइड्स के बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेक्स्ट के लिए आप यहां ऊपर टेक्स्ट में जाकर
न्यू टेक्स्ट के अंदर डिफॉल्ट टेक्स्ट को चुनें। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स यहां और इस ट्रैक पर दिखाई देगा। फिर आप एडजस्टमेंट में जाकर अपने टेक्स्ट का कलर, साइज, फॉन्ट और स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडिटिंग की तरह। टेक्स्ट एनिमेशन का बहुत सा ऑप्शन आपको यहां मिलेगा। यहां आप आसानी से अपने टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं। इस प्रकार इन सब का प्रयोग कर आप अपने वीडियो के टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। वीडियो एडिटिंग पूरी होने के बाद यहां से उसे एक्सपोर्ट करें और आउटपुट का फॉर्मेट हमेशा MP4 रखें। अगर आप अपनी वीडियो का SD फॉर्मेट में आउटपुट लेना चाहते हैं तो उसका रेजोल्यूशन 1920x1080 और एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखें। इसके बाद एक्सपोर्ट फाइल पर क्लिक करें। कुछ ही देर में आपका वीडियो शेयर करने के लिए तैयार होगा। अंत में एक जरूरी बात, किसी भी वीडियो की एडिटिंग करते समय हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वीडियो में जेंडर का भेदभाव ना हो, अर्थात ऐसा कोई भी शॉट, सीन या फिर डायलॉग नहीं हो जिससे महिला और पुरुष के बीच का भेदभाव और असमानता दिखे। उम्मीद करता हूं कि आप भी एक बेहतर स्क्रिप्ट के आधार पर लिए गए अच्छे शॉट्स की एडिटिंग कर एक बेहतरीन और असरदार वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।